Hi guys, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Today I'm going to show you how to create this makeup look और ये wedding guest makeup tutorial है. अगर आपको किसी wedding में जाना है तो आप easily makeup look create कर सकते हैं. And मैंने बहुत ही easy way में try किया है कि मैं आपको explain करूँ. So yeah, आप products ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ वो use करें. आप कोई से भी products use कर सकते हैं. I'm using this Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Primer. This is a new, newly launched product, and this is a very good primer. This is especially for you normal to oily skin, and we just need a pea-sized amount, only this much. इतना सा चाहिए बस हमें to cover whole face. और hydrating भी है ये काफी. आपकी skin को ये hydrate भी कर देगा as well as आपके makeup को long lasting बनाएगा और आपके pores को भी fill कर देगा. इसे अप्लाई करेंगे हम. यू कैन सी काफ़ी हाइड्रेटिंग है ये और पोर्स को भी फिल करेगा ये. सो द नेक्स्ट स्टेप इज फाउंडेशन. टुडे आई एम टेकिंग लाइक मे 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन और ये शेड है न्यूट्रल मीडियम. आनी मेरी स्किन टोन से परफेक्टली मैच करता हुआ है. इसके साथ स्पैटुला भी आता है तो मैं स्पैटुला से इसको अप्लाई करूँगी. Now I'm going to blend it with a damp beauty blender. मैंने इसे पहले से ही पानी में डिप करके स्क्वीज कर लिया है. मैं इसे से ब्लेंड करूँ. यू कैन सी हाउ ईजीली दिस इज ब्लेंडिंग लाइक अ बटर. You can see how much coverage it is providing, and when I will blend it now, then it will become flawless. इस तरह से डैबिंग मोशन में इसको आप इस तरह से प्रेस करके पूरे स्किन पे अप्लाई करना है. This is a very good foundation, and this is affordable also, and this is medium to full coverage. Of course you can build it up if you want, but I think this much is okay. और ये वाली जो साइड होती है इसकी पॉइंटेड, इससे हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपनी आईज के नीचे, ऑल्सो नोज के. यहाँ ब्लेंडिंग इज द की टू परफेक्ट बेस. जितने अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपका बेस बनेगा. एंड दिस कवरेज इज वेरी गुड. अगर आप चाहें तो और इसको लेयर अप्लाई करके और कवरेज, हाई कवरेज भी बना सकते हैं, बट आई थिंक कि इससे ज़्यादा कवरेज की जरूरत नहीं है. यूजिंग कंसीलर, आप अलग से कंसीलर भी ले सकते हैं. मैं इसी का थोड़ा सा अपने बैक ऑफ द हैंड पे लेके एज अ कंसीलर भी यूज़ करूँगी. तो थोड़ा सा इसको अपना पॉइंटेड पार्ट से लेके हल्का हल्का लेके मैं इसको अपने यहाँ पे हल्का सा ब्लेंड करूँगी. जहाँ पे हम कंसीलर अप्लाई करते हैं उसकी स्पेस पे मैं इसे ही लेके हल्का सा कंसीलर का भी वर्क करूँगी. बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड हो रहा है ये. This side also, जहाँ पे आपको थोड़ा सा और कवरेज चाहिए यू कैन अप्लाई इट लाइक दिस. वी हैव टू सेट अवर फेस. तो आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट. आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हैं. इस तरह से मैं पाउडर ब्रश को उसमें स्वर्ल करके एक्सेस को टैप करके मैं जहाँ पे पहले कंसीलर लगाया था वहाँ पे हम इसे अप्लाई करेंगे ताकि क्रीज ना बने. मींस मैंने कंसीलर यूज़ नहीं किया था, उसकी जगह मैंने फाउंडेशन यूज़ किया था. तो हम वहाँ पे पहले इसको सेट कर लेंगे. मोस्टली यहाँ पे कंसीलर यूज़ होता है, बट आज मैंने सोचा कि मैं इसे से ट्राई करूँ. अगर आपके पास कंसीलर है तो आप इसे कंसीलर से लगा सकते हैं और फिर मैं पूरे पाउडर को फेस पे एक बार उस तरह से सेट करूँगी.
इससे हमारा जितना भी हमने अप्लाई किया, आई एम गोइंग टू अप्लाई द ब्लश। हम चीक्स पर ब्लश अप्लाई करेंगे और इसके बाद में मैं आपको आई मेकअप बताऊंगी। तो मैंने कलर बार का ब्लश लिया है और इसे मैंने इसमें लेके हल्का सा मैं स्माइल करना है एंड आप लोग चीक्स पर इसको अप्लाई करेंगे। स्माइल इस तरह से ऊपर की साइड ले जाते हैं टेम्पल्स की तरफ और फिर उसे ब्लेंड कर देते हैं। सेम वे अदर स्माइल, थोड़ा सा और अप्लाई करना। थोड़ा सा नोज पे भी अप्लाई कर लो। सबसे पहले हम अपने आईब्रोज को फिल करेंगे। आई एम यूजिंग दिस लॉरियल ब्रो आर्टिस्ट जीनियस किट एंड दिस इज द शेड मीडियम टू डार्क। इसमें आपको टू शेड्स मिल जाते हैं, एक वैक्स है, एक कलर है और आप में स्पूली भी मिलती है, सो यू कैन यूज दिस एंड एक साइड ब्रश होता है। तो अब मैं इसको पहले अपने आईब्रोज को फिल करेंगे। यू नो ऑलवेज फिल योर आईब्रोज। कुछ लोग इस पार्ट को स्किप कर देते हैं बट आप इसे कभी भी स्किप ना करें। आईब्रोज अपनी ज़रूर फिल करें एंड यू नो अच्छे से टाइम लेकर करें फिल। इट्स नॉट लाइक दैट कि जल्दी से कर लिया एंड इट्स ओके। यू हैव यू कैन टेक टाइम एंड डू इट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस यू नो व्हेन यू विल डू योर आईब्रोज। सो डोंट स्किप इट, इसको कभी स्किप ना करें। So you can see how nicely it is blending. So you can see the difference between both the eyes. Eyebrows are done. Now I'm going to apply the eyeshadow. So I'm using an Acme Absolute Illuminating Eyeshadow Palette. And ये बहुत ही प्यारी palette है, you know. इसमें बहुत सुंदर shades हैं जो बहुत compliment करते हैं Indian skin tones के लिए. और आज मैंने you know maroon color का पहना है. You can see my dress. I'll show you afterwards. पूरी dress दिखाऊंगी मैं आपको. तो wedding के लिए function में जाना है तो I'm going to start with this color. This is orange type color, light shade है. इसे मैं एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ करूँगी। बहुत यू नो सिंपल आई मेकअप आई एम गोइंग टू डू टूडे कि बिगनर्स इसको आराम से कर लें। इसे मैं पूरी लिड पे इस तरह से अप्लाई करने वाली हूँ। देन आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड, दिस डार्क वन, एंड देन मैं इसे भी प्लेस करूँगी। बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी मेथड है ये। जस्ट Do it like this. This is specially for beginners. Beginners के लिए बहुत अच्छा है। और इसके बाद में जो golden shade है मैं इसे अपनी finger पे लेके इस तरह से उसे मैं यहाँ पे इधर बीच में इसको apply करूँगी। And it's looking so good. और इसे finger से हल्का सा blend कर दो। You can see how good it is looking. बहुत easy है और बहुत अच्छा लगता है ये wedding या party में। If you are going anywhere टू लुक वेरी गुड, यू कैन जस्ट सी। अब फिर से मैं इस वाले ऑरेंज कलर को लेके इसमें एक बार फिर से पेंट कर दूंगी। इट्स डन, यू कैन सी हाउ सिंपल एंड ईजी। अगेन नेक्स्ट ट्राई भी कर लेंगे हम। मैं ये वाला ऑरेंज कलर लेके मैंने अपनी पूरी आईज मैंने एक ही ब्रश यूज़ किया है क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके पास इतने सारे ब्रशेज नहीं होते हैं। इफ़ यू वॉन्ट तो अभी से यू नो अपनी फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने ये वाला पिंक शेड लिया, उसको अप्लाई करा। इट्स वेरी इजी गाइस, आराम से इसको कर सकते हैं। देन आफ्टर दिस अगेन टेक दिस गोल्डन शेड और इसे हम यहाँ पे बीच में सेंटर में अप्लाई करेंगे। और फिर दोबारा से ये ऑरेंज वाला शेड लेके आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट। दिस मैंने ऑरेंज वाला शेड लिया है और इसे हम अपने यहाँ पे अप्लाई करेंगे यू नो वाटर लाइन के नीचे, क्योंकि ये नहीं कर रहा तो हमारा आई मेकअप बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। उस तरह से इसे वाटर लाइन के नीचे पतला पतला इसको अप्लाई करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल,
अगर आप ये अप्लाई नहीं करते तो इस तरह लगता है कि आपका मेकअप आई मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है। इट लुक्स टू गुड। टाइम फॉर सम आई लाइनर। सो दिस इज अ लैक्मे आई लाइनर। बहुत ईजी है ये, आराम से आपको मिल जाता है इस तरह से, यू नो। मैं इसको अप्लाई करूँगी विंग्ड आई लाइनर। तो हम आईज से लेकर स्टार्ट करते हैं, मैं तो पास आ जाती हूँ। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यू नो, विंग क्रिएट करेंगे। पहले हम मैंने एक विंग बनाया है पहले, अब मैं इसी विंग को यहाँ से ज्वाइन कर लूँगी। सी कितना इजीली हो गया है। सेम वे आई एम गोइंग टू मेक अ विंग ऑन दिस आई एज वेल। पहले मैंने विंग ड्रॉ कर लिया है और अब मैं इसको जॉइन कर दूंगी लाइन से। और सम मस्कारा। सो आई एम टेकिंग दिस मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा और ये वाटरप्रूफ है तो समर्स में भी काफ़ी टिका रहता है, बिल्कुल भी मेल्ट डाउन नहीं होता है। बहुत अच्छा मस्कारा है, कर्ल्स कर देता है आपकी आईलैशेस को। अगर आप चाहें तो यू नो यू कैन यूज़ अ कलर ऑल्सो, मतलब आईलैश कलर यूज़ करके फिर भी आप इसको कर सकते हैं। और फिर हम नीचे वाली आईज पे भी इसको अप्लाई करेंगे। गोइंग टू अप्लाई द काजल हेयर एंड दिस इज द प्लम काजल। बहुत अच्छा काजल लगता है मुझे। अब हम इसे वाटर लाइन में फिल कर लेंगे। काजल लगाने से आपकी आईज बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लगती हैं। हमें इसे स्मज नहीं करना है, सिर्फ हमें इसे अपनी वाटर लाइन में फिल करना है। सो हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। हाँ, और अभी मैं आपको एक और टिप बताऊंगी कैसे आप इसे भी हाईलाइट करेंगे। तो अब मैं हाईलाइटर लगा रही हूँ और ये है के ब्यूटी का हाइलाइटर। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल शेड। दिस इज द शेड सनलिट गोल्ड। यू कैन सी हाउ पिगमेंटेड दिस इज। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्रश एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई माय हाई पॉइंट्स। यू कैन सी द ग्लो। इट्स सो गुड। चिन, क्यूपिड्स को, नोज और बीच ऑफ द नोज में फिंगर से अप्लाई करूंगी इस तरह से एंड ऑल्सो योर फोरहेड। सो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू अप्लाई द हाइलाइटर। और उसके बाद में मैं अपनी लिटिल फिंगर लेके एंड टेक इट इन माई लिटिल फिंगर एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑन द इनर कॉर्नर्स। इससे क्या होगा कि आपकी आईज हाईलाइट होंगी। यू कैन सी हाउ गुड इट इज लुकिंग और एकदम से ओपन लगती है आपकी आईज। यू कैन अप्लाई इट विद ऑफकोर्स अ ब्रश ऑल्सो, स्मॉल ब्रश एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस एरिया विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर ओनली।
You can see how good it is looking. And after this, I'm going to apply, set it with my, you know, makeup setting spray. This is MAC Fix Plus Mini One. And then इसके बाद में मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी. अब मैं इसे पूरे अपने फेस पे एक बार स्प्रे कर लेती हूँ, हमारा मेकअप एकदम से पूरा सेट हो जाएगा. अब जब तक ये ड्राई होता है तब तक हम लिपस्टिक अप्लाई कर लेते हैं. सो टुडे आई एम यूजिंग दिस मेबलिन सुपरस्टे मैटिंग लिपस्टिक एंड दिस इज द शेड वॉयजर. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डार्क कलर. इट इज लाइक यू नो डार्क मरून कलर टाइप थिंग. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई. A very beautiful shade. And this shade is perfect for parties or you know any event you are going. This looks very beautiful. तो मैंने मैचिंग ईयर रिंग्स इसके पहन लिए हैं और मैंने हेयर भी अपने ओपन ही रखे हैं. अगर आप चाहे तो आप बन भी बना सकते हैं. एंड लिपस्टिक मुझे थोड़ी सी वो बहुत डार्क लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी इसको लाइट करी है. मैंने लॉरियल की आई एम बोटेड लिपस्टिक ली है. उसमें थोड़ा सा लाइट कलर आ गया है और बहुत अच्छे लगते हैं यू नो पार्टीज में ऐसे कलर. आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस बिंदी. आई एम नॉट हैविंग एनी रेड बिंदी तो आई हैव गॉट दिस कलर. थोड़ा डार्क कलर है ये. आप इसके साथ मैचिंग रेड बिंदी या मरून बिंदी भी लगा सकते हैं. एंड दिस इज द फाइनल लुक. अगर आप चाहे अपने हेयर स्टाइल को सब बना सकते हैं, यू नो बन बना सकते हैं आप, और यू नो यू कैन वेयर अ नेक पीस ऑल्सो, बट आई डोंट लाइक वेयरिंग दैट सो आई एम ओके विद इट. So this is the final look and I hope you like the video. And if you like the video then please subscribe to my channel. Aur agar meko acha response mila to aur bhi makeup tutorials definitely I will make for it. And yeah, so see you in the next video. Till then take care, bye bye.